समाजवादियों का है, समाजवादियों का नहीं। ये समाजवादियों का काम रहा है, लेकिन हमें भी दो दो बार एमपी बनाने में पूरी मदद करने का काम किया। तो साथियों, भैया हमारे रामेंद्र सिंह मुन्ना भैया पीछे बैठ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। हमारे सभी सम्मानित साथीगण, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन बात इसलिए करनी है कि ये चुनाव हम जो बात कर रहे हैं, ये बात दूसरों को आपको बताना है, घर घर बताना है, जहां पर नाते रिश्तेदार हो उन्हें बताना है कि ये चुनाव हमें दो बार एमपी बना चुके हो, एमएलए बना चुके हो, तीसरी बार एमपी बनाने का अकेले चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को बचाने का चुनाव है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति को संविधान सौंपकर जितना प्रसन्न हुए थे उतना पूरी जिंदगी भर प्रसन्न नहीं हुए। जिस दिन उन्होंने एक वोट रानी का और महातरानी के वोट की कीमत जिस दिन बराबर की थी, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उम्मीद की थी कि आज के बाद देश में शासन उनका होगा जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन 6,743 जातियों बटे समाज में उतना भाईचारा नहीं बना जितना बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करते थे। इसके कारण 75 साल बाद भी वो बात नहीं बन पाई है। लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था, मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद एक वोट का बराबर करके तुम्हें भारत का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का बनाने का जो अधिकार दिया है, और साथ ही साथ कहा आज के बाद भारत की धन धरती में बराबर का अधिकार भी दे दिया। लेकिन हमारे लोग लोकतंत्र को न समझ के कारण अपना वोट नाली में बरसाती पानी की तरह बहाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, मेरे चाहने वाले मानने वाले इस कारवा को आगे न बढ़ाए, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम न करें। अब ये चुनाव बाबा साहब के उन स्वर्णिम युग के तहत, जिस बाबा साहब के अधिकार के कारण 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन पाई, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी बन चुके हैं, उस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी भी ने कही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेता नहीं है, अब तो मोदी की गारंटी, मोदी सरकार बदलना चाहती है, वो खुलेआम कर रहे हैं 400 पार तो मोदी का संविधान तय। तो ये बताओ, हाथ ऊंचा करके, बाबा साहब संविधान बचाने के लिए बटोगे तो नहीं? ये चुनाव न बटने का है, न ये चुनाव डरने का है, न ये चुनाव नए लालच में फंसने का है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस संविधान को बचाने के लिए, तो बहन जी भी लड़ा रही हैं, लेकिन बहन जी संविधान बचा नहीं रही, अपने को बचा रही। तो इसलिए वो अपने को बचा रही, अगर संविधान को कोई बचा सकता है, इन सांप्रदायिक ताकतों को कोई कुचल सकता है, तो इंडिया गठबंधन कुचल सकता है, माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी का। इसलिए यही संविधान बचाने में सक्षम है। तो सारे लोग बिना बटे, बिना डरे, बिना किसी लालच में फंसे संविधान बचाने के लिए, ये गांव वाले न समझे कि इन समाजवादी पार्टी से दलितों में कोई संघर्ष हो तो नाली खरंजा चक्रोट चबूतरा के चक्कर में हिसाब किताब हम उनके बराबर कर दो। ये चुनाव देश के बचाने का है, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का है, ये दलितों के आरक्षण बचाने का चुनाव है। वरना आरक्षण न होगा तो तुम ही अमा गांव कहो प्रधानों न बने पाई। इसलिए इस बार बिना डरे, बिना बटे, बिना लालच में फंसे चुनाव चिन्ह साइकिल वाली बटन दबाकर हमारी गारंटी है। हम तो तब भी समाजवादियों से पूरे कानपुर में घूम के कह सकता हूँ
कि बताओ बसपा में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं था, कांग्रेस में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं था, लेकिन हमने पूरे राजनीतिक जिंदगी में 2 बार एमपी एमएलए, तीसरी बार रहे, हमने आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नहीं लगाते हैं, हमारे इसमें गड़बड़, हमें सारे भाई सारे इंसान मिले। 1 करोड़पति अरबपति लखपति भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने का शब्द ना हो, 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा राम पाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, ये भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम है। इसलिए इस बार और करना है, अगर गांव में शराब आ रही हो, बट रही हो, तो वीडियोग्राफी करो, कोई और गड़बड़ कर रहा है तो वीडियोग्राफी करो। सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है, किसी तरह के लालच में फंसने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर बाबा साहब का संविधान, इंडिया गठबंधन बचाएगा, हम लोग बचाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। केवल इतने निवेदन के साथ 23 तारीख में हम नामांकन कराएंगे, जो लोग आ सकते हैं, राम कुमार वगैरह तो बहुत खर्च में यहाँ जाएंगे, चेतना पर चेतना के साथ खड़े हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।